आपसे जरा जानना चाहेंगे LIC के बारे में, क्योंकि लिस्टिंग की आज है सालगिरह। देश का सबसे बड़ा ये IPO था, काफी उत्साह था, लेकिन IPO से जितनी उम्मीदें थी, कंपनी से जितनी उम्मीदें थी वो पूरा नहीं किया। और इशू प्राइस से अगर आप देखें तो करीब 40% ये शेयर नीचे है, लिस्टिंग प्राइस से भी अभी ये 34% ये शेयर नीचे है। हालांकि जो पिछली तिमाही के जो नतीजे आए थे थोड़े से बेहतर साइड पर वो जरूर आए, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है शेयर का। आपको क्या इसमें भरोसा है? जो निवेशक 904 वाले भाव के, 890 वाले भाव के अगर उम्मीद में लेकर शेयर को बैठे हुए हैं, तो आपकी तरफ से सलाह क्या होगी 1 साल पूरे होने के मौके पर? तो हमारी उम्मीद और भरोसा दोनों आज के तारीख में भी उतने ही मजबूत थे जब IPO आए थे और कुछ अनुमान लगाए थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि IPO पर निवेश सब्सक्रिप्शन की राय थी और उसके बाद हमने एक स्टैंड अलोन बुनियादी तर्क के आधार पर रिसर्च रिपोर्ट निवेश की निकाली है। देखिए अभिषेक, इस जीवन बीमा से जुड़ी कंपनियों को थोड़ा समझदारी की जरूरत होती है। पहले तो 140 करोड़ की आबादी, महामारी के बाद जो पहले एक सोच थी लोगों की कि हम टैक्स बचाने के लिए पॉलिसी लेते हैं, वो परिवर्तन हुआ और अब अपने परिवारजन की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप जीवन बीमा लेते हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है तो, भगवान न करे। और जो पहले सम एश्योर्ड होता था उससे ज्यादा सम एश्योर्ड हो रहा है, यानी कि प्रीमियम आउटगो जो है वो हमारे और आपके लिए ऊपर जा रहा है और जीवन बीमा कंपनियों के लिए ऊपर जा रहा है, वो आमदनी ऊपर जा रही है। दूसरी तरफ इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ टिप्पणियां करी थी हाई एंड प्रीमियम और हाई सम एश्योर्ड पॉलिसीज को लेकर के, उसके कारण थोड़ी बहुत सचपदन पर थी। लेकिन अगर इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड ये एक मुहिम चलती है जो हमें लग रहा है चलेगी, तो न तो सिर्फ LIC को फायदा होगा लेकिन HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये जो बाकी अन्य कंपनी है इनको भी फायदा होगा। समय लगेगा क्योंकि सोच में परिवर्तन होगा। के बाद भी आपको इस पर भरोसा बना के रखना है LIC पर, समय देना होगा। तो बड़ी कंपनी है, लेकिन गौरांग को इस पर भरोसा है। ठीक है, चलिए।